नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है दो और विषय हमारा हिंदी है। तो देखिए बच्चों, हमने पार्ट नंबर 10 मीठी सार की जो कहानी हमने पढ़ी थी, किसमें से पढ़ी थी? हमने किताब में से पढ़ी थी, लेकिन आज हम स्वाध्याय पुस्तिका में से पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसमें हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको निम्न शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है बच्चों, कि यहाँ पे पढ़ना है और समझकर यहाँ पे लिखना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, यानी कि आपको ये सब घर पे करना है। समझ गए बच्चों? तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे बोल बोल के लिखना है, पढ़ना है और समझना है। सारगी यानी क्या था, बजाने वाला एक साधन था, और इकट्ठे यानी कि जो लोग इकट्ठे हुए थे, और कला कला यानी जो सारगी बजाने की कला, और उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, मीठी थी। शब्दों को समझना है और आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, चलिए आगे, ये सब आपका होमवर्क है। फिर आगे आपको यहाँ पे निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपको यहाँ पे इकट्ठा यानी एकत्रित, आनंद यानी खुशी, खोल यानी कुर्म, फिर आपको यहाँ पे दिया है खाक, खत्म, यानी कि आपको क्या करना है, जो शब्द यहाँ पे दिया है उसके अर्थ बताने हैं। तो आपको ये लिखना है बच्चों। मुंह याने जबान, चौपाल याने चार रास्ता, बेवकूफ याने पागल, सिर याने मस्तक, इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ लिखना है। फिर आपको यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए, यानी कि गांव में कौन आया, तो सारगी वाला। यहाँ पे आपको एक दो शब्दों में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांव में कौन आया था बच्चों, तो सारगी वाला आया था। सारगी वाला सारगी कैसी बजाता था, बहुत अच्छी। सारगी वाले ने सारगी बजाना शुरू किया तो कौन इकट्ठा हो गया, गांव के लोग। सारगी की आवाज़ कैसी थी, मीठी। कैसी थी, मीठी, जो मैंने आपको समझाया है। फिर से हमारा ये दो बार हो रहा है, इसलिए आपको लिखते वक्त आपको ये समझना है और याद भी रखना है। सारगी बजाने की कला से कौन दंग रह गया, गांव के लोग, यानी कि उसकी सारगी की आवाज़ इतनी मीठी थी कि सब उसकी, जब सारगी बजाना चालू किया तो सब गांव के लोग कैसे हो गए थे, दंग रह गए थे उसकी सारगी की आवाज़ सुनकर। कैसी मीठी सारगी है, कितना आनंद आ रहा है, यह कौन कह रहा था, सब लोग कह रहे थे। कौन कह रहा था, सब लोग। गांव वालों की बातें कौन सुन रहा था, तो भोला, जो गाँव में एक लड़का था जो कैसा था, पागल था। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, उसे सारगी मीठी नहीं लगी, यानी उसे क्यों ऐसा लगा, क्योंकि सब झूठ क्यों बोल रहे, क्योंकि उसको सारगी का स्वाद आया ही नहीं था। भोला को सारगी का स्वाद क्यों नहीं आया, क्योंकि वो दूर बैठा था, यानी कि उसने मन में सोच लिया था ऐसा कि मैं दूर बैठा हूँ इसलिए मुझे सारगी का स्वाद नहीं आया होगा, इसलिए वो क्या किया, उसने सारगी वाले के पास जाके वो बैठ गया था। शायद सारगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, ऐसा किसने सोचा, तो भोला ने। लोग कहाँ सो गए, चौपाल पर, यानी कि चार रास्ता जहाँ पे सारगी वाला आया था, बजा रहा था, वहीं पे लोग सो गए थे। सारगी वाला सारगी पर क्या चढ़ाकर सो गया, खोली चढ़ाई, यानी कि खोल नहीं बोलते हम, खोली यानी कि उसे कवर चढ़ाकर वो सो गया। लोगों ने सो जाने के बाद भोला ने सारगी का खोल उतारकर क्या किया, उसने जीभ से उसे चाटा। क्या भोला को स्वाद आया, नहीं। भोला ने सारगी को कहाँ फेंक दिया, गांव के बाहर। उसने कहाँ फेंक दिया था, फिर गांव के बाहर। सवेरा होने पर सारगी वाला और लोग क्यों दुखी हुए, क्योंकि सारगी जो है अपनी जगह पे नहीं थी। लोगों ने किसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया, तो भोला के, कि वो कितना बेवकूफ़ है, इसलिए सब ने सर पीट। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सारगी वाला बहुत ही अच्छी सारगी बजाता था, इसका अच्छी कच्ची, तो यहाँ पे आएगा अच्छी। सारगी की मीठी आवाज़ ने लोग कहने लगे कि कैसी मीठी सारगी है। इन लोगों ने को सारगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही हुआ नहीं। महाराज, आपकी सारगी बहुत मीठी है। लोग कह रहे थे ना कि महाराज आपकी सारगी है वो बहुत मीठी है। रात ज़्यादा हो जाने के कारण लोग घर नहीं गए। भोला ने सारगी के छेद में मुंह उड़ेला, यानी कि छेद में उसने, क्योंकि वहाँ से उसे मीठा स्वाद मिल जाए, इसलिए उसने क्या किया था,
जो छेद था सारगी में वो उसके मुंह पे ऐसे उसे हिलाई थी सारगी को। बोला क्या खाक मीठी है, मैंने उसे अच्छी तरह से चाटा था तो यहाँ पे खाक आएगा। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। ये किसने कहा था? भोला ने कहा था। चलिए आगे हम उत्तर देखेंगे एक दो वाक्यों में। भोला ने क्या सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने सारगी को मुंह में चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, यानी उसने उड़ेला भी, यानी कि उसे जाकर उसे हिलाया भी, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। नंबर दो, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारगी मीठी है। तो उसने क्या किया बच्चों, जो मीठी उसे सारगी ने लगी तो किस किस प्रकार से उसने प्रयास किया यानी कोशिश की। सबसे पहले भोला ने सारगी के खोल को उतार कर उसे चाटा, फिर उससे छेद को मुंह में पास ले जाकर उड़ेड़ा, परंतु इससे भी बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं पाया। कड़वी बात का क्या मतलब होगा? कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी न लगे, यानी कड़वी बात है ना जो सुनने में अच्छी ना लगे। सारगी वाले ने अपनी सारगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारगी वाले ने सारगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि ना पड़े। किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है तो आपको बताना है बच्चों। तो तोशक, तकिया, सोफा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है। बड़ी मिट्टी सारगी थी, पता ही नहीं कौन ले गया, ऐसा लोग कह रहे थे। तब भोला ने क्रोध में आकर क्या कहा? क्या खाक मिट्टी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, ऐसा भोला ने कहा था। फिर आगे आपको यहाँ पे दिया है बच्चों, तुम कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, तुम्हें कौन कौन सी? तो तुम्हें खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी कि मुझे, यहाँ पे तुम्हें नहीं लिखना है, मुझे लिखना है कि आपको जो जो भी चीज़ें मीठी वाली अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हो। मीठी चीज़ों के अलावा उनका और क्या स्वाद होगा? नहीं खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन कसेला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। सही बात पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सारगी वाला बेसुरी सारगी बजाता था। सारगी की आवाज़ बड़ी मीठी थी, सारगी की आवाज़ कर्कश थी। तो यहाँ पे सारगी बजाता बेसुरी, आवाज़ बड़ी मीठी, सारगी की आवाज़ बड़ी मीठी थी, तो यहाँ पे सही आएगा। फिर सारगी चखने पर मीठी थी, सारगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने से मैं अच्छी लगती थी, तो इस पर सही है। फिर भोला को सारगी का स्वाद खट्टा लगा, भोला का मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, भोला सारगी सुनकर बहुत खुश हुआ, तो यहाँ पे भोला का मुंह मीठा हुआ ही नहीं। फिर आगे आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार चौकन में क्रम दीजिए, यानी कि आपको जो ये वाक्य दिए हैं वो आपको क्या करना है बच्चों, उसका क्रम देना है। पहला क्रम है एक गांव में एक सारगी वाला आया। दूसरा है सारगी वालों की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। फिर तीसरा आएगा सारगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, तो चार दिन वही ठहरिए, यही ठहरिए, दिन वही ठहरिए। फिर चार नंबर पर है बच्चों, शायद सारगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए। फिर पाँच नंबर पे भोला ने सारगी के ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। फिर है यहाँ पे है छः नंबर, इस पेज पर है छः नंबर, भोला लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। फिर सात नंबर आपको यहाँ पे दिया है, लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। इस तरह से आपको वहाँ पे नंबर देने हैं। निम्नलिखित संगीत के बाजों के उनका नाम सही जगह लिखो, कुछ नाम बच जाए तो उसे अन्य में खाने में लिखो, यानी कि तार वाले, थाप वाले अन्य, यानी सारगी, सितार, एक तारा, गिटार,
तबला ढोलक डपली और अन्य बांसुरी हारमोनियम और शहनाई, इस तरह से आपको लिखना है। आगे आपको यहाँ पे दिया है उपयुक्त बाजे किस किस जगह बजाए जाते हैं, सोचकर लिखिए, यानी कि ये जो बजाने वाले साधन हैं वो किस किस यानी कि कहाँ कहाँ बजाए जा सकते हैं। रेलगाड़ी या बस में इकतारा डपली बांसुरी, घर पर क्या किसी अवसर पर शहनाई ढोलक, भजन कीर्तन में हारमोनियम तबला, स्कूल में किसी अवसर पर सितार गिटार, इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर आगे आपको दिया है नीचे दिए गए खाने की चीज़ों का स्वाद के हिसाब से लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पे सब शब्द दिए हैं जो खाने के हिसाब से लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी, करेला, अदरक, आंवला, यानी कि इस तरह से खाने में आपको नाम लिखने हैं बच्चों। फिर आगे आपको यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों का उच्चार कीजिए और कोष्टक में से दिए गए शब्दों में या लगाकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे चाँद चंदन, चांद चंदन, मंगलवार मांगना, सुंदर सांप, झांसी झट, फिर आपको यहाँ पे कंकड़ कापना, अंधा आंधी, इस तरह के शब्द लिखने हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, अच्छी बुरी, शुरू बंद, मीठी कड़वी, आनंद दुखी, बड़ा छोटा, चढ़ाना उतारना, बेवकूफ समझदार, और खुशामद यानी कि क्या होता है, दुखी, खुशामद यानी खुशी वाला होता है, वहाँ पे दुखी लिखना है आपको, दुखी। तो देखिए बच्चों निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक गुणवाचक शब्द पर गोल करके उसमें पीला रंग भरिए और अन्य शब्दों पर चौकन करके उसमें हरा रंग भरिए, यानी कि आपको जो शब्द पर क्या करना है, भाववाचक गुणवाचक शब्दों पर क्या करना है, गोला करके उसमें रंग भरने हैं। तो मिठास, चैन, बेवकूफ़ी, चुपचाप, यानी एक चुपचाप, चैन, मिठास, बेवकूफ़ी, ऐसे आपको गुणवाचक शब्द करने हैं। गुणवाचक कौन सा है, उसमें भाववाचक कौन सा है, इस पर क्या करना है आपको, गोल करके उसमें क्या करना है आपको, कलर भरने हैं, पीला रंग भरना है और अन्य चौकोनों में हरा रंग भरना है, बराबर। चलिए आगे निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिए है गांव, शहर के पास मेरा एक गाँव है, कला, बांसुरी बजाना भी एक कला है, मुँह, मेरा मुँह मीठा हो गया, चैन, भोला को सारगी लिए बिना चैन नहीं मिला, झूठा, भोला को सारे गांव वाले झूठे ही लगे, भोला को सारे गांव वाले, यहाँ पे आएगा वाले, झूठे ही लगे। देखो बच्चों इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है सिर पीटना, भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीटा लिया, फिर दंग रहना, सारगी बजाने वाले के कला से गांव वाले दंग रह गए, है ना। इस तरह से आपको जो ये चैप्टर है हमारा यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों, जो कौन सा था, मीठी सारगी, हमारा चैप्टर नंबर 10 मीठी सारगी, जो आपको मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, जो पीडीएफ के द्वारा आपको जो प्रश्नों के उत्तर है, विरुद्धार्थी शब्द है, शब्दों के अर्थ है, सारे आपको इसमें लिखने हैं और सारे सुंदर अक्षरों में लिखने हैं बच्चों। जय गायत्री बच्चों।